वही गद्दारच गद्दारच म्हणणार। मैं तो पुष्पा आला ना, झुकेगा नहीं साला, आणि ये म्हणतात उठेगा नहीं साला। जो एक बार झुकेगा ना तो उठेगाच नहीं। शिवसेना प्रमुखाने एकदा नाही अनेकदा सांगितलेलं आहे की जो या माझ्या देशावरती प्रेम करतो तो माझा आहे, मुसलमान असला तरी तो आमचा आहे। पाकिस्तानच्या नवाज शरीफच्या वाढदिवसाला न बोलवता जाऊन केक खाणारा तुमचा नेता आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार? तुम्ही साथ आणि सोबत द्या, मी पुन्हा तुम्हाला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवेन। तसं माझं आज सुद्धा आव्हान आहे, एका व्यासपीठावरती आपण एक सभा लावू, एकच व्यासपीठ मांडा। तुम्ही भाजपची स्क्रिप्ट न घेता भाषण करून दाखवायचं। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केअर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपए में। ईजी EMI फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी शिवसेना की दशहरा रैली हुई शिवाजी पार्क में, लेकिन इस साल दो रैली देखने मिली, एक शिंदे फैक्शन की और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, जिसे लोग ओरिजिनल शिवसेना कह रहे हैं। हालांकि ये बात चली रही है कि कौन असली शिवसेना है। अगर मैं उद्धव ठाकरे की रैली की बात करूं तो बड़ी संख्या में मुझे उस रैली में लोग देखने मिले। इसके संबंध में स्क्रीन पर फोटोज और वीडियोज भी चल रहे हैं। भाषण के बाद रावण दहन किया गया और उस रावण का जो पुतला था उस पर 50 लिखा हुआ था। तो आपको पता ही होगा कि वो 50 लिखने का मतलब क्या होगा, जो नारा है 50 खोखे वगैरह वगैरह, उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा था वो 50 रावण पर लिखा हुआ। तो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, रावण दहन जो किया गया है 50 लिखकर रावण के पुतले पर, ये भी काफी चर्चा का विषय है। उद्धव ठाकरे ने मिंडे सरकार तक कह दिया अपने भाषण में, उन्होंने गद्दार कहा। आपको पता ही है किसे उन्होंने गद्दार कहा होगा, उन्होंने एक बाप चोर का भी वर्ड इस्तेमाल किया अपने भाषण में। बाप चोरणारी औलाद, अरे स्वतःच्या वडिलांचा तरी विचार करायचा होता की त्यांना काय वाटेल की काय ड्यूट कार्ड माझ्या जन्माला आलं, जे माझ्या ऐवजी दुसऱ्याच्या वडिलांचे नाव होते। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को यह आह्वान किया कि एक ही मंच पर दोनों भाषण देंगे, लेकिन तुम बीजेपी के स्क्रिप्ट का भाषण मत पढ़ना, ऐसा उन्होंने आह्वान किया, चैलेंज किया है, एक ही मंच पर दोनों भाषण करते हैं। तो ये भी बात कही उन्होंने अपने भाषण में। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया, गिरते रुपए का मुद्दा उठाया अपने भाषण में। उन्होंने ये तक कहा कि हमें हिंदुत्व मत सिखाओ। फिर उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना पर भी कहा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक इंच भी जमीन आप वापिस नहीं ले पाए हो, ऐसा उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा। फिर चाइना इंडिया में घुस रहा है उसका कुछ करो, इस पर भी उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा। पाक व्याप्त काश्मीर मधला एक इंच सुद्धा तुकडा तुम्ही परत घेऊ शकलेला नाही। यात चीन घुसलेला आहे, अरुणाचल मधून घुसतोय, लडाख मध्ये घुसतोय, लेह मध्ये घुसतोय, जा ना ती जमीन घेऊन दाखवा, दाखवा, आम्ही तुम्हाला डोक्यावरती घेऊन नाचू। हे कशाला पाहिजे गद्दार, आम्ही घेतो नाचतो तुम्हाला, मागे नाचत होतो तसे। फिर एक चीज उन्होंने ये भी कही कि जिसे मंत्री बनाया MLA बनाया वो साथ छोड़कर चले गए, और जिनको मैंने कुछ नहीं दे पाया वो अभी मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने ये चीज का जिक्र किया। ज्यांना दिलं ते नाराज होऊन गेले, पण मी ज्यांना काही देऊ शकलो नाही, पण तुमच्या ताकदीने मी त्यांना दिलं, ते आजही माझ्या सोबत निष्ठेने आहेत, हे माझं नशीब आहे। और उन्होंने तमाम शिवसैनिकों का जो वहां मौजूद थे उन सबका शुक्रिया भी अदा किया कि इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग उपस्थित हुए। इसमें उन्होंने एक चीज ये जरूर कही कि ये जो भी लोग आए हैं, मतलब उनकी रैली में जितने भी लोग आए थे, वो भाड़े पर लाए गए नहीं है, ये घंटों के हिसाब से बुलाई गई भीड़ नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे पर टिप्पणी करते हुए ये भी बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था, यानी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब अजीत पवार जब उनके बाजू में बैठे रहते थे, अजीत पवार उस समय उप मुख्यमंत्री थे, तब अजीत पवार ने कभी उद्धव ठाकरे का माइक नहीं खींचा, फिर कभी उनको उत्तर कान में नहीं बोला, मतलब जवाब क्या देना है वो कान में नहीं बोला। तो ये भी चीज का उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में। माझ्या बाजूला उप मुख्यमंत्री अजित दादा बसायचे, कधीही माझ्या समोरचा माइक त्यांनी खेचलेला नव्हता, कधी माझ्या कानामध्ये त्यांनी माझं उत्तर सांगितलेलं नव्हतं। उन्होंने गद्दार शब्द का कई बार प्रयोग किया अपने भाषण में, मैंने कुछ हाईलाइट्स बताया हूं आप लोगों को। उन्होंने अंकिता भंडारी केस पर कहा, बिल्किस बानो के लिए उन्होंने आवाज उठाई, फिर उन्होंने मुसलमानों पर भी कहा कि जो देश प्रेमी मुसलमान है हमारा हिंदुत्व उन्हें सम्मान देता है। तो ऐसे अनेक विषय पर उद्धव ठाकरे ने आज अपने भाषण के दौरान चर्चा करी, और
जो महाराष्ट्र की सरकार है और जो शिवसेना के विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर जो सरकार बनाए उन पर उन्होंने काफी टीका किया, टिप्पणी करी, जैसे कि मैंने बताया कि बाप चोर, मिंडे सरकार, गद्दार, ऐसे अलग अलग बातें कही उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से भी रैली की गई थी आज बीकेसी में, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग दिखे। तो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे आज आज रैलियों के जरिए देखने मिला। आप बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन असली शिवसेना है, कमेंट बॉक्स में। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच। मीरा भाईंदर के सबसे सस्ते क्लिनिक वी केयर में डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाए केवल 14,999 रुपये में। इजी ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।